अयोध्या में होने जा रही भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजधानी भोपाल में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में करुणाधाम आश्रम ने शहर के रविंद्र भवन में गाथा श्री राम की का आयोजन किया। आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर समेत आरएसएस और हिंदूवादी संगठन के कई नेता मौजूद रहे। आज भगवान श्री राम आदरणीय गुरु जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को आशीर्वाद स्वरूप असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। आइए हम सभी अपने अपने स्थान पर ही बैठकर ईश्वर के आगे ये कामना करें कि हम सभी के राम भक्तों की ये राम भक्त वो नहीं थे जिन्होंने घर से बैठकर हुंकार ध्वनि को, ये वो राम भक्त थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए प्राण निकाली छावर कर। आज उनका बलिदान देखेंगे कितनी लड़ाइयां लड़ी गई, मंदिर यूं ही नहीं बना, अयोध्या ने राम भक्तों के रक्त को अभी तक संभाल कर रखा है कि वो उस नींव में जाएंगे जहां राम मंदिर बनना है। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस गाथा को पूरी श्रद्धा से, पूरी आस्था से, पूरी मर्यादा से सुने। राम मंदिर गाथा बहुत अद्भुत है, समय की कमी है, आप सब जो सुनने और देखने आए हैं विलंब हो चुका है। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं और सम्मानित मंच का भी स्वागत करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। आत्मनोमोक्षात् जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जो काम करुणा धाम के माध्यम से लगातार कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव, अब उनका उनसे मेरा स्वागत करवा रहे थे, उनका गुरुदेव हो बाबा, उनको प्रणाम। परमादरणीय हमारे मध्य भारत के संघ चालक अशोक पांडे जी, हमारे सहकारिता मंत्री भाई विश्वास जी, बहन कृष्णा जी, मध्य प्रदेश सरकार की यशस्वी मंत्री भाई भगवान दास जी, नीचे भी कम महत्वपूर्ण हस्तियां नहीं बैठी लेकिन सबके नाम संभव नहीं है। ये आदरणीय सभी वरिष्ठगण, बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, सबसे राइन भारत टीवी के लिए भोपाल से विनीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।